हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी रेंस। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे भृंगराज पौधे की, जिसे एक्लिप्टा अल्बा भी बोलते हैं। आयुर्वेद में इसे केशराज का नाम दिया गया है। बालों में कई तरह की प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए वर्षों से इसका उपयोग आयुर्वेद में किया जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं भृंगराज पौधा कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं भृंगराज पौधा कैसा होता है। इसकी पहचान होती है, इसमें छोटे छोटे से वाइट फूल ऐसे आते हैं और इसकी जो पत्तियां हैं कुछ रफ सी होती हैं। ये कहीं पे भी उग जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये कई तरह के घास के बीच में उगा है, हो सकता है आपके घर के आसपास हो लेकिन आपने अभी तक इसे नहीं पहचाना हो। अगर आपके घर के आसपास ये पौधा मिल जाता है तो आप इसे यूज़ करके अपने हेयर्स को बहुत ही हेल्दी कर सकते हैं। भृंगराज हेयर फॉलिकल्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करता है और स्कैल्प की ड्राई स्किन को बहुत ही जल्दी ठीक कर देता है। इसकी लीफ से रेडी किया गया ब्लैक डाई आपके हेयर्स को नेचुरल तरीके से कलर करता है। भृंगराज का पेस्ट अगर आप अपने स्कैल्प और हेयर्स पे लगाती हैं तो ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और इससे हेयर ग्रोथ एक्टिविटी बढ़ जाती है। भृंगराज में पाए जाने वाले तत्व आयरन, विटामिन ई, विटामिन डी, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि बालों को हेल्दी रखने के साथ साथ नेचुरल तरीके से आपके बालों को काला बनाते हैं। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और एलर्जी को दूर करने वाले सभी गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसे आयुर्वेद में केशराज का भी नाम दिया गया है। 15 डेज पे अगर आप इसकी लीव्स का पेस्ट बना के अपने हेयर रूट पे लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको अपने स्कैल्प पे हेयर की न्यू ग्रोथ दिखाई देगी। तो यहाँ पर मैंने भृंगराज के कुछ बेनिफिट्स आपको बताए हैं। उम्र कोई भी हो, अगर आपको हेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो भृंगराज को यूज़ करके आप उसे दूर कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।